हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी यूजीसी नेट के पेपर थर्ड के लेसन 9 के बारे में। आज हम अपने इस लेसन 9 में रेवोल्यूशन इन इंडिया यानी भारत में जो है क्रांति के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। नंबर वन है ब्लैक रेवोल्यूशन। सो ये रेवोल्यूशन जुड़ा है पेट्रोलियम प्रोडक्शन यानी पेट्रोलियम के उत्पादन से। नंबर टू है ब्राउन रेवोल्यूशन। तो ये रेवोल्यूशन रिलेटेड है लेदर यानी चमड़े और कोकोआ से। कोकोआ का यूज़ जो है बेसिकली चॉकलेट्स, केक्स, बिस्किट्स, कॉफ़ी, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स और साबुन वगैरह में होता है। नंबर थ्री है ब्लू रेवोल्यूशन। तो ब्लू रेवोल्यूशन जुड़ा है मछली उत्पादन यानी फिश प्रोडक्शन से। नंबर फोर है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। ये रिलेटेड है जूट प्रोडक्शन से। तो जूट का इस्तेमाल आप सभी जानते ही होंगे, जैसे रस्सी बनाने में, चटाई बनाने में यानी मैटिंग वगैरह में, बोरियाँ बनाने, कारपेट्स, पर्दे एटसेट्रा वगैरह में जो है जूट का इस्तेमाल होता है। ये वर्ड जो है जूटा और जोटा से लिया गया है, जो कि ओडिया वर्ड है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर फाइव है गोल्डन रेवोल्यूशन यानी स्वर्ण क्रांति, या फिर जो है आप इसे सुनहरी क्रांति भी कह सकते हैं। सो गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी से, जिसे आप गार्डनिंग भी कहते हैं, और साथ ही साथ ये क्रांति शहद और फलों के उत्पादन से भी संबंधित है। स्वर्ण क्रांति का जो पीरियड है 1991 से 2003 तक रहा। इस पीरियड के दौरान फलों, सब्जियों, शहद और बागवानी से जुड़े प्रोडक्ट्स का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ। नंबर सिक्स है ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे जो है हरित क्रांति भी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960s में हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी से जुड़ा है। ग्रीन रेवोल्यूशन ऐसा पीरियड रहा जब भारत में मेथड्स और टेक्नोलॉजी के आने के कारण एग्रीकल्चर जो है इंक्रीज होने लगा। सबसे पहले जो है ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिला। सो नेक्स्ट है नंबर सेवन ग्रे रेवोल्यूशन। सो ये रिलेटेड है फर्टिलाइजर से, जिसे आप उर्वरक भी कहते हैं। सो फर्टिलाइजर जो है एक केमिकल या एक नेचुरल सब्सटेंस यानी पदार्थ होता है, जिसे जो है मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि मिट्टी का फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन बढ़ाया जा सके, ताकि इससे जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। नंबर एट है पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन जो है ऑनियन प्रोडक्शन यानी प्याज के उत्पादन और प्रॉन प्रोडक्शन यानी झींगा मछली के उत्पादन से जुड़ा है। नंबर नाइन है रेड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन संबंधित है मीट और टमाटर के उत्पादन से। नंबर टेन है राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन रिलेटेड विद पोटैटो प्रोडक्शन यानी आलू के उत्पादन से जो है राउंड रेवोल्यूशन संबंधित है। नंबर इलेवन है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। एवरग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से संबंधित है, यानी इसमें सभी खेतीबाड़ी से जुड़े उत्पादन शामिल है। नंबर 12 है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, रिलेटेड है कॉटन के उत्पादन से। नंबर 13, तो पहले हमने बात की सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन की, अब हम बात करेंगे सिर्फ सिल्वर रेवोल्यूशन के बारे में। तो सिल्वर रेवोल्यूशन जुड़ा है एग प्रोडक्शन या फिर आप पोल्ट्री प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। नंबर 14 है वाइट रेवोल्यूशन यानी सफ़ेद क्रांति। सो वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड है डेयरी प्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन से। डेयरी प्रोडक्शन में शामिल है घी, दही, मक्खन और पनीर वगैरह। नंबर 15 है येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन संबंधित है ऑयल सीड्स प्रोडक्शन यानी तेल के बीज के उत्पादन से। सो फ्रेंड्स, ये थे कलर रेवोल्यूशन इन इंडिया। अगर इनसे जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो वे इस तरह हैं। फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, यानी ब्लू रेवोल्यूशन के जनक या कर्ता कौन है? तो उनका नाम है प्रोफेसर हीरालाल चौधरी, जैसा कि ये नाम जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है M.S. स्वामीनाथन, जिनका पूरा नाम है मनकोम्बू संबशिवन स्वामीनाथन। नेक्स्ट है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन है वर्गीस कुरियन। इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें जो है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कृषि रत्न और वर्ल्ड फूड प्राइज से भी सम्मानित किया गया है, और साथ ही साथ ये जो है अमूल के फाउंडर भी रहे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक सोशियोलॉजी यूजीसी नेट के पेपर थर्ड से रिलेटेड। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिए।